हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो वाले, कसकाई के मुनाचो, कैसे हैं आप सब। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, आज हमारा नील आइलैंड और शहीद द्वीप में एक आखिरी दिन है। आज हम लोग यहाँ से जेट्टी पे जाएंगे और वहाँ से फिर अपनी मैक्रूज़ की फेरी पकड़ के पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। तो दोस्तों, हम लोग जेट्टी पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारी मैक्रूज़ की फेरी अभी आई नहीं है, इसीलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने जेट्टी के गेट्स बंद कर रखे हैं। जब फेरी आ जाएगी, उसके बाद जो फेरी में लोग होंगे वो उतरेंगे, उसके बाद हम लोग चेक इन कर पाएंगे अंदर और अपनी सीटों पे बैठ पाएंगे। इस बार ये अच्छी बात है कि हमारी सीट विंडो के पास है, तो हो सकता है हम आपको विंडो के बाहर का भी व्यू दिखा पाएँ। तो दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, और जब तक इस जेट्टी के नज़ारे का मज़ा लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग अब फाइनली गवर्नमेंट सॉमिल पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये सॉमिल एशिया का सबसे बड़ा सॉमिल है और यहाँ पे हम आपको बाकी का नज़ारा थोड़ी देर में दिखाएंगे।
तब तक के लिए देखिए, जहाँ जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं सोमिल के फॉरेस्ट म्यूजियम के अंदर।
मैं तेरी आँखों में रहता हूँ, तुझे पता ना चले तेरे हर पल दोस्तों। अब हम लोग 100 मील से निकल चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। हम जब से आए हैं यहाँ पे हमें बारिश के अलावा कुछ भी नहीं दिखा है, बारिश ही बारिश हो रही है। हम आशा करते हैं कि कल बारिश नहीं होगी, कल हमारी बहुत ज़रूरी साइट सीइंग होने वाली है। तो बस 100 मील से निकल रहे हैं, अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, खुद भी करें दूसरों से भी करवाएँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।